दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप जरोदा के थ्रू ETF को कैसे ख़रीद सकते हैं, यानी कि ETF को आप कैसे बाय कर सकते हैं। जो निफ्टी वीज का ETF है, यानी कि जो निफ्टी वीज का ETF है जिसमें निफ्टी 50 की सारी कंपनियां हैं, उस ETF को आप बाय कैसे करेंगे, है ना, और उसको सेल कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। इससे पहले दोस्तों हम थोड़ी सी बात ना ETF के बारे में कर लेते हैं कि ये ETF जो है क्या है और इसके क्या बेनिफिट है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ETF जो है ना, इसका पूरा नाम है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, है ना। तो इसे ज़्यादातर जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस बनाते हैं, यानी कि AMC बनाती हैं इसे, कोई भी AMC है वो जो है इसको बनाती है। AMC के द्वारा ETF बनाया जाता है और बहुत बहुत बड़ी बड़ी AMC हैं, अलग अलग AMC बनाती हैं ETF को, है ना। तो ये फंड हाउस जो है ये ETF को बनाते हैं। अब इसमें करते क्या है, जैसे सपोज करिए निफ्टी वीज है, तो ये जो निफ्टी वीज है इसमें क्या करा है इन्होंने कि इसमें जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, पूरी पूरी की पूरी 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 की, उन सबका वेटेज निफ्टी वीज में ले रखा है इन्होंने, यानी कि वो सारी कंपनियों के शेयर इन्होंने खरीद के एक बास्केट टाइप का बना दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसी तरीके से इसका भी बास्केट एक बना दिया है इन्होंने निफ्टी वीज का। तो निफ्टी वीज का जो बास्केट बना दिया है, अब ये करता है क्या है कि जैसे जैसे निफ्टी, यानी कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, जैसे निफ्टी परफॉर्म करेगा, है ना, जैसे निफ्टी परफॉर्म करेगा, निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा, वैसे ही जो है ये ETF भी परफॉर्म करेगा, वैसे ही है ETF भी परफॉर्मेंस उसी के तरीके से बिल्कुल करेगा। ETF परफॉर्मेंस तो ETF भी उसी के तरीके से परफॉर्म करेगा। तो अब होता क्या है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी अप है, अगर निफ्टी अप है तो ETF भी जो है वो भी जो है अप होगा, ETF भी अप होगा। अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि एक तो ये पर्टिकुलर कोई कंपनी नहीं है, है ना, एक तो कोई कंपनी नहीं है, तो इसमें जो इन्वेस्टर हैं या जो ट्रेडर हैं उनका भरोसा भी बढ़ रहा है कि कोई कंपनी तो है नहीं जिसकी वजह से इसका शेयर जो है एकदम से कंपनी डाउन हो जाएगी, फाइनेंशियल अच्छे नहीं आएंगे, फंडामेंटल सही नहीं रहे तो जो है बिल्कुल डाउन चली जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल निफ्टी पे आधारित है और ये बिल्कुल निफ्टी की तरह ही परफॉर्मेंस करेगा। तो जैसा परफॉर्मेंस निफ्टी करेगा वैसे ही जो है ये इंडेक्स भी करेगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, यानी कि इंट्राडे भी इसमें कर सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और इसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, और इसमें जो है स्विंग भी कर सकते हैं। तो स्विंग की एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है कि निफ्टी वीज में आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, 100% आपको उसमें फ़ायदा होगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखें हमारे चैनल पर विजिट करके। तो आप जो है ETF में कई तरीके से काम कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे कर सकते हैं, और आप जो है निवेश भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अब इसमें करना क्या है, जैसे ही आप जरोदा में जो है अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आप जैसे ही आप लॉगिन करेंगे जरोदा में, इसके लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा जो जरोदा की तरफ से ही प्रोवाइड होता है आपको यूज़र आईडी पासवर्ड। और अभी तक आपने अगर अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही आसानी के साथ खोल सकते हैं। आप स्टॉक में, जरोदा में, एलआईएस ब्लू में या स्टॉक कार्ड में किसी के साथ भी आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उसके लिए एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कैंसिल चेक देना होगा। 5 से 10 मिनट में आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आप बिल्कुल ETF को बहुत ही आसानी से ख़रीद पाएंगे। तो ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे ना जरोदा में निफ्टी वीज, निफ्टी वीज जैसे ही टाइप करेंगे तो ये देखिए ETF जो है खुल के आ जाएगा। ये देखिए निपॉन इंडिया ETF निफ्टी वीज, ये यहाँ पे देखिएगा ये NSE की तरफ से है, ये BSE की तरफ से है, तो ये बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह ही काम करता है। जैसे निफ्टी 50 काम करती है वैसे ये काम करेगा, ये BSE पे है और ये वाला जो है ये NSE पे है, बस फ़र्क इतना है, ये वाला NSE पे है। तो अब इसमें बाय सेल कैसे करना है, तो जैसे ये प्लस का निशान दिख रहा है, हम इस पर प्लस पे जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी वॉच लिस्ट में
ऐड हो जाएगा। आज हम केवल ETF की बात करेंगे, निफ्टी 20 की। वैसे तो बहुत सारे ETF हैं, उनकी बात हम आगे और किसी वीडियो में करेंगे। आज हम केवल निफ्टी 20 को बाय सेल कैसे कर सकते हैं जरोदा में, वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये हमने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया इस समय, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 186.09 रुपये है ना, 186.09 रुपये इसका भाव है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर ये विंडो खुल गया, यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे सेल कर सकते हैं। और अगर आप इसमें GTT ऑर्डर लगाना चाहें तो जरोदा के थ्रू आप जो है इसमें जरोदा के थ्रू GTT ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। GTT ऑर्डर क्या है जरोदा में अप स्टॉक में, उसका वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और GTT ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं वो भी आप बहुत ही आसानी से वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए अब हम इसे पहले तो करते हैं बाय। तो जैसे ही हम बाय करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है दोस्तों इसमें, कि निफ्टी 50 के अगर इतने सारे शेयर हैं, अगर हम सारे खरीदने जाएं तो लाखों रुपए हमें देने पड़ेंगे जब जाके हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के सारे शेयर खरीद पाएंगे। मगर वहीं हम इसका एक यूनिट यानी कि 186.09 रुपये में ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी क्वान्टिटी देनी होगी। सपोज करिए मुझे दो ही ख़रीदने हैं, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, दो ख़रीदने इंट्राडे में रखना है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मार्केट प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है मार्केट या लिमिट। अब ये लिमिट और मार्केट क्या है इसके बारे में वीडियो चैनल पे, लेकिन छोटा सा बता देता हूँ, अगर आप मार्केट प्राइस डाल के सिलेक्ट करते हैं तो जो इस समय मार्केट का प्राइस है, यानी कि अभी तो मार्केट बंद है लेकिन जब भी चालू होगा तो जिस इस समय मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, ये उसी प्राइस पर आपके लिए ये दो जो है ETF खरीद देगा। ये बिल्कुल शेयर की तरह काम करते हैं, जैसे किसी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं वैसे ही किसी भी समय मार्केट ओपन होने के किसी भी टाइम, यानी कि मार्केट में चालू मार्केट में आप किसी भी समय जो है इसको, जिस समय मार्केट चल रहा हो उस समय आप इसको कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं इंट्राडे में। इसमें म्यूचुअल फंड की तरह कोई NAV का चक्कर नहीं है, जो भी है लाइव मार्केट प्राइस दिखाई देगा आपको और लाइव में ही आप जो है इसको बिल्कुल आसानी से बेच सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट प्राइस अगर आप भरना चाहते हैं तो आप जैसे इस पर लिमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना लिमिट प्राइस भी जो है भर सकते हैं, यानी कि आप जो भी लिमिट प्राइस रखना चाहें। आप सोच करिए मुझे 185 रुपये ख़रीदना है तो मैं 185 भरूँगा और यहाँ पे स्वाइप टू बाय करूँगा। और ये देखिए ये आपको यहाँ पे ना कैलकुलेशन करके भी दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखेंगे ये अवेलेबल बैलेंस कितना होना चाहिए वो दिखा रहा है, यानी अवेलेबल बैलेंस कितना है और कितने रुपये में जो है आप इसे ख़रीद सकते हैं इंट्राडे में या जो है इंट्राडे में या जो है CNC में, कैश एंड कैरी में। तो यहाँ पे एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मात्र 74 रुपये में इनमें 5 गुना का जो है लिवरेज जरोदा आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो 74 रुपये में जो है अप्रोक्स मार्जिन 74 रुपये चाहिए, उसमें जो है आप इसे ख़रीद सकते हैं दो शेयर को आप 74 रुपये में इंट्राडे के लिए ख़रीद सकते हैं लिमिट प्राइस में। और वहीं आप देखेंगे कि आप इसको जो है मार्केट प्राइस में अगर ख़रीदेंगे तब भी देखिए आप 74.44 रुपये में आप इसको ख़रीद सकते हैं। अब वहीं एक बार हम देखते हैं लॉन्ग टर्म यानी कि CNC में जब हम ख़रीदेंगे तब हम जो है इसको दो शेयर अगर मार्केट प्राइस पे ख़रीदते हैं तो ये देखिए 372.18 रुपये, तब आपको पूरा पैसा देना होगा, फिर आपको पूरा पैसा देना होगा क्योंकि आप कैश एंड कैरी में ख़रीद रहे हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, आप जब मर्ज़ी चाहें बेच सकते हैं और जब मर्ज़ी चाहें आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो ऐसे आप जो है इसमें इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में जो है बाय कर सकते हैं, जैसे कि हमने वो स्ट्रेटजी भी एक शेयर करी है इससे पहले वाला वीडियो है कि आप इसको कैसे ख़रीद सकते हैं कैसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल इसी तरीके से जरोदा में ख़रीद व बेच सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी क्वान्टिटी डालेंगे, यहाँ पर अपना लिमिट प्राइस भर लें, लिमिट प्राइस भर लें, लॉन्ग टर्म में भी आप लिमिट प्राइस भर सकते हैं। लिमिट प्राइस भर के आप जो है अपना लिमिट प्राइस भर के ऑर्डर को सबमिट कर दें, जब भी वो प्राइस आएगा तो आपके लिए ये शेयर खरीद लिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास पोर्टफोलियो में शेयर पड़े हैं तो पोर्टफोलियो में जाइए, अन्यथा आप जो है सेल पे जाइए और यहाँ से जो है अपना टारगेट सेट करके लिमिट प्राइस डाल के और स्वाइप टू सेल करेंगे तो इसी प्रकार से जो है आप अपने निफ्टी 20 के ETF को इसी प्रकार से सेल कर सकते हैं। आप मार्केट प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं, आप लिमिट प्राइस पर टारगेट रख के भी सेल कर सकते हैं, है नहीं। SL वैसल को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप इसमें जो है SL भी ले सकते हैं। ये SL का ट्रिगर प्राइस है, लिमिट प्राइस है, आप इसको भर के और आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ये वैलिडिटी वगैरह दिखाता है, ये SLM मार्केट है, यानी कि SL मार्केट है और ये SL है, ये SL लिमिट है ना।
तो ये SL जो है लिमिट प्राइस के साथ आप SL ले सकते हैं। अगर आप SL लेना चाहें, यहाँ पे आप अपना जो है SL अगर लेंगे तो ये SL यहाँ से यहाँ पे प्राइस भरेंगे आप अपना कितने प्राइस पे, और यहाँ पे आप एक आपको एक ट्रिगर प्राइस देना होता है, वो ट्रिगर प्राइस देंगे, आपका SL ऑर्डर भी आपका यहाँ से ही लग जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं GTT के थ्रू भी बाय सेल करना सिखाऊं आपको, जरोधा में ही आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको सीखना है GTT में कैसे बाय और सेल कर सकते हैं ETF को, निफ्टी 20 को। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। और मैं निवेदन करूँगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार ही आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है ना उसको हिट कीजिए, उसको हिट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुँचता रहे, नोटिफिकेशन आपके पास तक जाए ताकि आपको तुरंत पता लग जाए कि वीडियो आया है और आप वॉच करें। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग फाइनेंस से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए और बाय सेल बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए इंटरेस्टेड आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का घंटा उसको हिट कर दें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।